वेलकम करते हैं और आज टेस्ट टू कुक में मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है। और क्योंकि मुहर्रम है तो मुहर्रम है, कुछ लोगों के यहाँ ये रेसिपी ज़रूर बनती है और अगर किसी के नहीं बनती तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ टेस्ट टू कुक में बेसन का मलीदा, और बेसन का मलीदा जो है बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही जल्दी बन जाता है और हमें जो है इसके लिए कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख लोगे घर में मौजूद होते हैं। तो हम पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1/2 kg बेसन, यानी कि 1/2 किलो मैंने बेसन लिया है। घी इसमें मैं यूज़ करूँगी फ्राई के लिए, जो है मेरे पास 1 पाव यानी कि 1 कप। और शुगर जो है मैं इसमें 1.5 पाव यानी कि 1.5 पाव यूज़ कर रही हूँ। आप जो है मीठा अगर कम ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से आप चीनी का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं इसमें 1.5 पाव चीनी यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून पिस्ते और बादाम लिए हैं, तो ये इसमें जाएंगे सर्विंग के टाइम पे जब हम पूरा मलीदा रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो कोई से भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो, जो आपके फेवरेट हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ली है 4 से 5 अदद हरी इलायची, इसको मैं चीनी के साथ कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी अभी। और पिसा हुआ खोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट पाउडर जो है इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। इसमें वैसे तो जाता है कोकोनट जो ड्राई होता है, आपको अमूमन वो मिल जाता है मतलब इजीली मार्केट से, ड्राई कोकोनट जिसको स्लाइस में कट करके वो इसमें डलता है, मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था। अगर आप चाहें तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी खाते हो जो आपके ड्राई फ्रूट फेवरेट हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और पानी जो है हमें इसका जो हम आटा गूंदेंगे उसमें हमें जितनी क्वांटिटी यूज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ भी मैंने अपने पास 1 गिलास रखा है। सबसे पहले मैं चीनी में जो है ये इलायचियाँ डालकर इसको कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और ये बिल्कुल जो ना पाउडर बन जाएगा शुगर का, तो ये मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं शुगर को मैंने इलायचियों के साथ इस तरीके से इसको पीस लिया है, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुकी है। इस वक्त इसमें बहुत मज़ेदार सी इलायची की स्मेल आ रही है, तो अभी जो है मैं इसको ढककर रख रही हूँ क्योंकि हम एंड में डालेंगे तो इलायची की खुशबू इसमें आनी चाहिए इसलिए। जी तो व्यूअर्स, ये जो 1/2 किलो मैंने बेसन लिया था इसको मैंने एक बड़े बर्तन में, फैला हुआ जो होता है बर्तन जिसमें हम आटा अमूमन गूंथते हैं घर में, उसमें मैंने इसको डाल लिया है। और अब पानी डालकर मैं पानी के साथ आटा गूंथ लेती हूँ। थोड़ा हमें जो है इसकी कंडीशन जो है, आटा हमारा सख्त होना चाहिए तो हमारे जो है मलीदा बहुत अच्छा बनेगा, और अगर आटा हमसे पतला हो गया तो फिर आप इसमें थोड़ा सा बेसन जो है और ऐड कर दें, क्योंकि फिर हमारा जो मलीदा है उसकी कंटेंसिटी और कंडीशन वो वाली नहीं आएगी। इसलिए मैं यहाँ आपको गूंद कर दिखाती हूँ। ऊपर से जो है इसमें मैं आटे में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून घी भी डालूँगी, लेकिन किस स्टेज पर मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको पानी के साथ एक जान कर लेती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसकी जो है इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि मेरे हाथों में चिपक रहा है। आप जब गूंदेंगे ये बेसन तो इस तरीके से ही हाथों में चिपकता है। इस स्टेज पे अब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, ताकि जो है मेरे हाथ में चिपक रहा है और आप देख रहे हैं कि सही से गूंद नहीं पा रहा, तो आप भी इस वक्त इसमें 2 टेबल स्पून घी या ऑयल ऐड कर देंगे तो वो है कि आपके हाथ में चिपकेगा नहीं और सही से गूंद जाएगा। और अब मैं इसको गूंदती हूँ, और इसमें इतने बेसन में मुझे जो है 1 गिलास पानी में मेरा ये हो गया है, और अब मैं इसको घी के साथ गूंद रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो बेसन का मैंने आटा गूंदा था ये गूंद चुका है, और ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं सॉफ्ट कितना हो रहा है। ये सॉफ्ट है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो, ये थोड़ा हार्ड होना चाहिए। इसकी कंडीशन आपको दिखती होगी कि किस तरीके से है। तो इसका जो है मैं पेड़ा बना रही हूँ, जिस तरीके से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, और फिर जो है हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे
टोटली जैसे हम रोटी को बेलते हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है मैदा फ्लोर पे आप देख रहे हैं कि डाल दिया है। अब मैं जो है इस पर बेलूँगी इसको रोटी की तरीके से। जी तो व्यूअर्स, ये रोटी की तरह मैंने इसको पूरा बेल लिया है, शेप जैसा भी हो, क्योंकि हमें इसकी शेप से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब जो है नाइफ की मदद से मैं इसको कट कर लूँगी, आप किसी भी शेप में इसको कट कर लें। मैं इसको जो है इस तरीके से स्क्वायर में कट कर रही हूँ। और अब जो है कढ़ाई में मैं जब तक डाल देती हूँ घी, जो एक पाव मैंने आपको नोट ऑन करवाया घी, और जैसे ही वो गर्म होता है तो आपके सामने मैं फ्राई करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ जो है घी गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें ये जो मैंने अभी रोटियाँ सी बेली थी बेसन की, जो आटा गूंथकर, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होने तक पकाऊंगी, और इसी तरीके से सारी मैं बनाती हूँ। मैंने जो आधा किलो बेसन लिया है उसको मैंने इसी तरीके से रोटियों की तरह सारी बनाऊंगी, और फिर इसको गरम ऑयल में हम गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं एक पाव मैंने घी लिया है, मैं इसको कर रही हूँ। और इसकी जो है मैं आपको कंडीशन दिखाऊँ कि ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितनी इनको जो पेला है इस तरीके से, ये कितनी है आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिन है और ना ज़्यादा ये। और अब मैं जो है इसको फ्राई करके दिखाती हूँ आपको कि किस कंडीशन में हम इसको फ्राई करके निकालेंगे। ये तो व्यूअर्स, ये सारी जो थी बेसन की रोटियाँ मैंने बनाकर, उसको किसी भी शेप में आप काट कर इस तरीके से मैंने इतनी लाइट गोल्डन ब्राउन की है। अब मैं इसको जो है हाथों से थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, और फिर जो है मैं इसको जूसर में डालकर इसको मैं इसका पाउडर बनाऊंगी, क्योंकि मलीदा है। आप चाहें तो कॉफ़ी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, और जिस ग्राइंडर में मैंने शुगर की थी, शुगर को मैं एक निकाल लेती हूँ बर्तन में, और उसी में ही हम इसको कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये शुगर का ही हमारे पास ये जार है, नहीं मैं जो जूसर है इसमें मैं ये डाल रही हूँ, और इसको मैं ग्राइंडर में ब्लेंड करके आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पाउडर फॉर्म में आ चुका है। मैं आपको हाथ से भी दिखा दूँ तो ये बिल्कुल पाउडर है, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं, क्योंकि मलीदा है इसलिए। और अब जो है मैंने जो शुगर और इलायची पाउडर यहाँ पीस के रखा था, आप देख सकते हैं, इसको भी मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है ताकि इजीली मिक्स हो जाए। इसमें मैं ये जो मैंने बेसन की रोटियाँ बनाकर फ्राई की थी और फिर उसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, ये पाउडर फॉर्म में इस तरह से मलीदा बन चुका है। और इसको मैं शुगर और इलायची को जो मैंने पीसा था इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और फिर जो है हम इसमें खोपरा मिक्स करेंगे, और ऊपर से हम बादाम पिस्ते डालकर इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार सा बेसन का मलीदा बनकर रेडी हो चुका है, और ये कितना मज़ेदार लग रहा है। यहाँ इस वक्त बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, जो मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला था चीनी के साथ पीस कर, उसकी जो स्मेल है बहुत मज़े की आ रही है। और बेसन जो था वो हमने इसको फ्राई किया था थोड़ी सी रोटियां बनाकर, तो उसका भी जो स्मेल होती है बहुत ही यम्मी आ रही है। इस स्टेज पर अब मैं इसमें खोपरा स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर से, और जो है आप कोई से भी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको अच्छे लगते हो वो आप इसमें डालकर, और ये जो है आप जार में भर कर इसको रखें, बहुत मज़े का लगता है। आप चाहें तो इसको मॉर्निंग में इसमें दूध डालकर और इसको आप खाएं, बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप सिंपल ऐसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है ये, क्योंकि बेसन है, तो बेसन वैसे भी बहुत हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए, और ये जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप ये मॉर्निंग में रेगुलर भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुहर्रम में बनाएं, लेकिन जो है मुहर्रम में कुछ लोगों के यहाँ नियाज चलती है तो ख़ास तौर पर ये मलीदा बनता है। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।